टुडे वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बाय विच वी ऑब्टेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सबसे पहले टू बीकर लेते हैं, फर्स्ट बीकर सेकेंड बीकर। फर्स्ट बीकर में 1ZnSO4 सोलूशन लेते हैं, सेकेंड बीकर में 1MCuSO4 सोलूशन लेते हैं। इसमें जिंक रड को डाल देते हैं और इसमें कॉपर रड को डाल देते हैं। दोनों को एक कॉपर के वायर से कनेक्ट करते हैं जिसमें एक वोल्ट मीटर भी लगा रहता हो और एक स्विच भी लगा रहता हो, ठीक। और दोनों के सोल्यूशन को एक साल्ट ब्रिज के द्वारा कनेक्ट करते हैं। जो जो लेफ्ट हैंड वाला बीकर होता है उसको भी हाफ सेल कहते हैं और इसको भी हाफ सेल कहते हैं। इसको ZN टू प्लस ZN, इसको Cu2 प्लस Cu से सूचित करते हैं। जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, ठीक, वोल्ट मीटर का जो ये एरे होता है ऐसे ऐसे होने लगता है। उसके बाद जो जो ZnSO4 सोल्यूशन है वो ZN2 प्लस में ब्रोकन हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रोड पे आने लगता है। और इस इलेक्ट्रोड पे आने के बाद ये वायर कॉपर वायर के माध्यम से बाएं से दाएं तरफ जाता है और कॉपर इलेक्ट्रोड तक जाता है, ठीक। इस इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन होता है वो ZN2+2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। और जो लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला बीकर होता है और उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है उसमें Cu2+2 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करके Cu में बदल जाता है। यानी कि जो लेफ्ट हैंड वाले बीकर उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और जो राइट हैंड साइड वाला उसको कह सकते हैं रिडक्शन हाफ सेल। इसके बाद अगर इस, हाँ एक चीज और है कि जो ये जो जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो करके दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाता है उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। और एनोड को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और इस पे जो आवेश होता है वो माइनस का देते हैं। और जो राइट हैंड साइड में होता है जो कि इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करता है उसको कैथोड कहते हैं और इसको प्लस से सूचित करते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला बीकर है उसमें ये रिएक्शन होता है ZN2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। जो राइट हैंड साइड वाला बीकर है उसमें कॉपर एंड 2 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करके Cu में चेंज हो जाता है। और ये दोनों के रिएक्शन को ऐड करें तो हमको कंप्लीट रिएक्शन मिलता है ZnCu2+ ZN2+Cu। इस प्रकार के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल भी कहते हैं। धन्यवाद, इतना ही। अगले